विवाह हो या पार्टी, हर प्रकार के स्वर्ण आभूषणों की करें खरीदारी, मिलेगा सुख समृद्धि और आनंद। रूप अलंकार ज्वेलर्स के संग 100% हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का एकमात्र संस्थान रूप अलंकार ज्वेलर्स, मेन रोड गढ़वा। गंडई से चुनमुन चौधरी की रिपोर्ट। कोरोना काल में जर्दिक गांव के ग्रामीण रस्सी बनाने का कार्य कर अपना परिवार का गुजारा चला रहे हैं। इस गांव में रस्सी बनाने का कार्य कुटीर उद्योग का रूप धारण कर लिया है। एक व्यक्ति को देखकर अन्य व्यक्ति भी इस कार्य में दिलचस्पी ले रहे हैं। बुधवार को इस गाँव के कई टोले में ग्रामीणों को रस्सी बनाने का कार्य करते हुए देखा गया। गाँव के ग्रामीण चंद्रदीप चौधरी, महेश चौधरी, यमुना चौधरी, नेपाली चौधरी, रीमा देवी, मनमतिया देवी, सहोदरी देवी, कमलेश चौधरी, संतु चौधरी, अमेरिका चौधरी, सीमा कुमारी, अंजलि कुमारी, मंजीत चौधरी, सरिता कुमारी, सुनीता देवी, सीमा देवी सहित अन्य ने बताया कि कोरोना महामारी ने छोटे मोटे व्यापारियों और बाहर के राज्यों में मजदूरी के काम करने वाले ग्रामीणों का रोजी रोटी छीन लिया है, जिससे कई धंधे चौपट हो गए हैं। गाँव के अधिकतर ग्रामीण बाहर के राज्यों में जाकर मजदूरी का काम करते थे, जो अप्रैल 2020 में लॉकडाउन लगते ही घर आकर पड़े हुए हैं। गाँव के कई लोग फुटपाथ पर कपड़ा, होटल सहित अनेकों धंधा कर अपने परिवार का गुजारा चलाते थे, लेकिन कोरोना में बाजार बंद रहने से उनका भी कारोबार टूट गया, जिसे लोगों को अपना परिवार चलाने में भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। गांव के इक्के दुक्के लोगों ने रस्सी बनाने का कार्य शुरू किया, फिर लोग उनसे प्रेरित होकर रस्सी बनाने का कार्य कर रहे हैं। अपना परिवार का गुजारा चला रहे हैं। साथ ही गाँव के बुजुर्गों ने बताया कि बोरे के सूत वशन नामक पौधे के छिलके अर्थात चौप से रस्सी बनाने का कार्य गाँव में इन दिनों जोरों पर चल रहा है। कोरोना ने जीविका पर काफी प्रभाव डाला है। कोरोना के प्रभाव से ही लोग गांव घर में ही अपना रोजगार शुरू कर रहे हैं, जो कि कुटीर उद्योग का रूप ले रहा है। गांव के लोग आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं।